हेलो नभोई को आज विजय ने सुबह ड्रॉप किया था, तो मैंने विजय को बोला था छोटी सी क्लिप बना लो। हेलन बहुत प्यारी लग रही थी ये ड्रेस में, ये कोरोनेशन डे उसका ड्रेस पहना है। तो मैंने गार्डन में लगाई थी, इतनी नाइस एंड फ्रेश हुई है, खुद के हाथों से लगाई हुई गार्डन में ही बनी है अपने अच्छी से। और मैंने थोड़ा सा टाइडी किया उधर पीछे, अभी धूप निकल रही है तो बच्चे खेल सकते हैं। और आज एक ये नया डिलीवरी हुआ है अभी हेलन के लिए, मैट्रेस, क्योंकि हेलन वाले कमरे में मैट्रेस है मगर वो सिंगल था और अभी उसको चाहिए था ऐसा ऊपर ये। सो हेलन को चाहिए था एक्स्ट्रा कुशन वाला मैट्रेस, जो टॉप पे कुशन आता है, और ये मुझे 200 पाउंड में पड़ा है। तो हेलन का बेड तो ऊपर अच्छा है, मगर सिर्फ मैट्रेस हमने अभी ऑर्डर किया। तो अभी मैं बेड का मेकओवर हो गया है हेलन के कमरे में, वो भी हेलन जब मुझे अलाउड करेगी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बस राम राम सीताराम टू एवरीवन। आज वेदर बहुत अच्छा था बाहर का, तो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू करवाती हूँ। बहुत ही धूप थी, अच्छी थी, और आज है फ्राइडे, बच्चों का लास्ट डे और स्कूल का, तो हमारा दिन आज बहुत अच्छा गया। सुबह की जो क्लिप मैंने लगाई है वो है हेलन अभय स्कूल जा रहे हैं तब की। आज नॉन यूनिफॉर्म डे था बच्चों का, और ये हमारे आसपास में स्ट्रीट सारी अच्छी से धूप में ट्री खिल गए हैं। अभी तो कुकिंग करूँगी, टाइम हुआ है 4 बजे है। नॉर्मली मैं इस टाइम पे बाहर निकलती हूँ बिकॉज मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ इस टाइम पे। बच्चों ने खाना खा लिया स्कूल से आके, और अभी हमने बर्थडे बलून्स रखे हुए हैं बच्चों के, हेलन का बर्थडे डेकोरेशन अभी भी है। अभी सैटरडे मुझे लगता है मेरी सिस्टर आएगी तो हम केक ले आएंगे, और हेलन को अभी भी बर्थडे की खुशी। ये बेडरूम जो हमारा है वैसा ही मैट्रेस है जैसा हेलन को ऊपर चाहिए था, तो अभी खुश है हेलन। मैंने गार्डन से थोड़ी सफाई की है, अभी मुझे ये नीचे की टाइल्स धोनी पड़ेगी अच्छे से, तो बच्चे खेल सकते हैं। एल्फ लेन पे क्वालिटी फूड से मैंने शॉपिंग किया है, ये हमारी गुजराती कैश एंड कैरी, जैसे सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एल्फ लेन पे जो शॉप है वेजिटेबल की, फ्रूट वेजिटेबल की, वो ये है। मुझे ये मिल गई है इधर से फ्रेश, ये भी एक टाइप की गुआवा है देखो, और ये है हमारे देसी इंडियन गुआवा। और यहाँ पे मिल रहे हैं चीकू और ये जो पान इंडिया के देसी, ये क्वालिटी फूड यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ये सब देसी। सब कुछ मिल रहा है, और ये है क्वालिटी फूड।
यहाँ पे बर्तन भी इंडिया वाले सारे स्टील के कप्स, पूजा में चलने की वाली चीजें सारी इधर से मिल जाती है। सारे मसाले भी और राइस। ये जो है घर के बने हुए मैंगो के दो डब्बे उठाए और लिए हैं ये फ्रेश वाली मूंगफली, और दोनों केसर मैंगो के डब्बे लिए हैं। मैं अभी जा रही हूँ गाड़ी तक उठा के इसको, पार्किंग भी मुझे पास में ही मिल गई थी, इतनी दूर नहीं है। तो अभी टाइम हुआ है 7:00 और मैं जल्दी से ये सी चीज़ ये सिर्फ लेने आई हूँ, मैंगो स्पेशली, होम स्वीट होम शॉपिंग और मैंगो लेके। मैंगो के बगैर तो मेरा काम नहीं बनता, आप लोगों को पता ही है। और आज बहुत अच्छी धूप थी, मम्मी से बात हुई और मैं खुश हूँ। हेलेना भाई को भी शॉपिंग देते। अब भाई मम्मी, और लकीली हमारा वेदर बहुत अच्छा हो गया है यूके का। ये सम ट्रिक्स। हेलो भाई, हेलो मम्मी, गॉट सम शॉपिंग, आई एम गोना ब्रिंग मैंगोस इन। Do you want to shut the door? मैंगो अभी मैं लेके आई हूँ, पहले मैं मेरी फैमिली पिक्चर दिखा देती हूँ। जो मैंगो लेके आई हूँ वो ऐसी है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्रेश है, अभी एकदम से पकी नहीं है और एकदम वो भी नहीं है। सो आधी आधी पकी आधी कच्ची वाली हम खा सकते हैं सीधा। और मज़ा आने वाला है मैंगो खाने का। और ये है मेरा बॉक्स नंबर 6, मैं 6 डब्बे ऑलरेडी ले आई हूँ 3 हफ्तों में, कि मैंगो का भी सीज़न है, दिल खोल के खाऊंगी मैं मैंगो। विजय एक दो खाते, इतना उसको नहीं है मैंगो का जितना मुझे है, मैं तो मैंगो खाती रहती हूँ बस। मेरा ये फेवरेट फ्रूट है, सबका होता है, अगर जब आ रहा है अभी सीजन है तो खा लेना चाहिए, ऐसा है मेरा मानना। गार्डन में एक ट्री है जिसमें फ्लावर आते हैं अच्छे वाले, आगे देखो कैसे खिल गया है, एक ही है फ्लावर का ट्री। कुछ भी मैं मेहनत नहीं करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता बाहर निकल के कुछ कर पाऊँ, क्योंकि काम और बच्चों का कुकिंग, कपड़े और थोड़ा सा होमवर्क, बस इसमें ही टाइम निकल जाता है। मैं ये टाइल्स को ब्लीच डाल के धोने वाली हूँ, तो ये पूरी साफ़ होके ऐसी रेड वाली हो जाएगी, पहले बिल्कुल नाइस एंड रेड थी, ये अभी बहुत काली हो चुकी है, तो इसको साफ़ करनी पड़ेगी, धोनी पड़ेगी ठीक से, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल पानी गिरता रहता है, बारिश और ठंड, इस वजह से ऐसे हो जाता है। तो यहाँ से ये टाक है, यहाँ से पानी लगा के धोऊँगी तो अच्छी हो जाएगी पूरी साफ़, फिर बच्चों का स्विमिंग पूल भी लगा सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं।